तो गैस आखिर शॉर्ट वीडियो पर 1K 2K व्यूज आने के बाद शॉर्ट वीडियो रुक क्यों जाती है? क्यों वो ज़्यादातर जो क्रिएटर्स होते हैं उनके स्टार्टिंग में 1K 2K व्यूज़ तो आ जाते हैं, यानी कि 1,000-2,000 व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे खासे उनकी शॉर्ट वीडियो पर। फिर क्या होता है, उनकी शॉर्ट वीडियो रुक जाती है और उसके ऊपर व्यूज़ आना बंद हो जाता है। और ज़्यादातर यही कमेंट्स आता है मेरे पास और बोलते हैं यार कि भाई हमारे शॉर्ट वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि यार हमने जितनी सारी शॉर्ट वीडियो अपलोड किए उसके ऊपर 1K 2K व्यूज़ आ जाता है और उसके बाद मेरी शॉर्ट वीडियो रुक जाती है, उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते। देखो मैं उसका कारण बताने वाला हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहना, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले हम आज के चैनल प्रमोशन को देख लेते हैं। भाई साइट में यार विनर हुए, जाओ यार जल्दी से भाई को सपोर्ट करो। मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसका रीज़न भी कुछ अलग है। इस चैनल डेली में प्रमोशन करता हूँ, वो मैं करता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उस पर एक बार जरूर विजिट करना। देखो यार आखिर में आपकी शॉर्ट वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आते, उस पर इंक्रीज होने का जो मेन रीज़न होता है वो आपका कंटेंट फोकस करता है कि आप किस कंटेंट पर काम कर रहे हो, आपकी शॉर्ट वीडियो किस कंटेंट की है जिसको कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करे, ठीक है? देखो अगर आपकी शॉर्ट वीडियो अगर कुछ अलग लेवल पर कंटेंट पर तो उसके ऊपर डेफिनेटली व्यूज तो अच्छा खासा आ ही जाएंगे, बट अगर आपकी जो किसी ने ऑलरेडी वीडियो पर अपलोड कर रखी है या फिर ऐसा आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो जो कि ऑलरेडी है यूट्यूब ने किसी ने अपलोड कर रखी है तो उसके ऊपर 1K 2K व्यूज आएगा, ठीक है? हर बार किसी के साथ होता रहता है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है। मेरे ब्लॉगिंग चैनल उस पर मैं जब भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके ऊपर 1K 2K व्यूज जाता है और उसके बाद वो शॉर्ट वीडियो रुक जाती है। देखो स्टार्टिंग में ऐसे होता है, स्टार्टिंग में यूट्यूब क्या करता है आपके चैनल पर एक्सपेरिमेंट करता है कि आपकी वीडियो पर कितना व्यूज देना है कितना व्यूज नहीं देना है। अगर आपके स्टार्टिंग 1K 2K व्यूज आते हैं तो यार अच्छी बात है, क्योंकि आपके 1K 2K व्यूज भी तो आ रहे हैं। अगर आपके स्टार्टिंग में 1K 2K व्यूज आते हैं तो यार अच्छी बात है, आपके 1K 2K व्यूज तो आ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे क्रिएटर के साथ क्या होता है, एक भी व्यूज नहीं आता, वो काफी दिनों से काम करते, एक मंथ टू मंथ से भी काम करते, फिर भी उनकी शॉर्ट वीडियो पर एक भी व्यूज नहीं आता। आपके 1K 2K व्यूज आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ रेगुलर काम करना होगा, क्योंकि यूट्यूब ने आपके चैनल पर इंप्रेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से आपके 1K 2K व्यूज आ रहे हैं। तो आपको बस काम करना है, यूट्यूब को छोड़ना नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन में आप यूट्यूब छोड़ दोगे तो आपका यूट्यूब इंप्रेशन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अभी आपके 1K 2K आ रहे हैं, फिर आपके 3K 4K आएंगे, फिर 5K 6K आएंगे और ऐसे करते करते आपके मिलियनों में व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम भी यही कहता है, आपको धीरे धीरे बूस्ट मिलता है, अचानक से आपकी वीडियो वायरल नहीं हो सकती है, ठीक है? तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, अगर आप इस एल्गोरिथम को सही तरीके से समझ ले तो 100% आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। उसके ऊपर 1K 2K व्यूज का भी सोल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर 1K 2K व्यूज कभी भी नहीं आएगा। बस ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई, क्योंकि ज़्यादातर सब लोगों का डाउट यही है कि हमारे 1K 2K व्यूज आते हैं उसके बाद व्यूज इंक्रीज नहीं होते, तो बस यही कारण था इसका व्यूज इंक्रीज करने का। तो आप इस तरीके से डेफिनेटली अपने व्यूज इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपको रेगुलर काम करना होगा, 100% आपके व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। तो यार गाइस वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फिर से एक नया वीडियो जल्दी मिलता है, तब तक गुड बाय।